नमस्ते पवन जी। हम लोग आज, मैंने सोचा एक बहुत ही स्पेशल टाइम्स में बैठे हैं जहाँ लॉकडाउन हो चुका है, पूरा देश पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, तो मुझे लगता था कि आपसे इस बारे में थोड़ा मैं पूछूं कि आपको ये कैसा मतलब लग रहा है। मैं तो कभी इस तरह का लॉकडाउन अपने जीवन में देखा नहीं है, और मैं जो अपने दोस्तों को आसपास देखता हूँ तो काफ़ी लोग घबराए हुए भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार में लोग हैं। इसको आप कैसे लॉकडाउन को देख रहे हैं? लॉकडाउन को तो बहुत तरह से देखा जा, मैं देखता हूँ, एक तरह से तो देखना मुश्किल है। एक तरफ तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि आज जिसको मीडिया कहते हैं वो कितनी शक्तिशाली हो गई है। अगर मैं भारत में कोरोना के वजह से मृत्यु को देखता हूँ, अगर वो आंकड़ों को सही मानूं, तो करीब 7,000 लोग, 7,500 लोग मरे होंगे अभी तक 3 महीने में लगभग। तो प्रतिदिन 80 के का फिगर आता है, 80 लोग प्रतिदिन एवरेज, आजकल कुछ ज्यादा मर रहे होंगे। और मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो भारत में 27,000 लोग रोज मरते हैं, हमारी मृत्यु दर 7.3 है प्रति हजार। उस हिसाब से हिसाब लगा के मैंने देखा तो करीब 27,000 लोग प्रतिदिन मरते। तो एक तरफ 27,000 और एक तरफ 80, तो कोई उसमें कोई खास बात नहीं है, और बहुत सारी बीमारियों में से ज्यादा लोग मरते होंगे। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ये लगता है कि वास्तव में ये 5-6 महीने बाद रोचक होगा इस पर रिसर्च करना, जब आंकड़े आ जाएंगे, कि इस दौरान लॉकडाउन के दौरान वास्तव में कितने लोग मरे कुल मिला के प्रतिदिन। मेरा यह मानना है कि 24 से 25,000 लोग रोज, 27 की जगह कम हुई है मृत्यु दर। और उसका एक सीधा सीधा कारण तो ये लोग बोलेंगे ये है कि भाई रोड के एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, पर रोड एक्सीडेंट्स के भी फिगर मैंने देखे जो इंटरनेट पे मिलते हैं, तो वो फिगर आते हैं करीब 465-470 प्रतिदिन। हम उसको पूरे को बात दे दें, फिर छोटी मोटी चोरियां, डकैतियां, पीपुआ के लोगों की मारपीट, इसमें मरते होंगे और 400-500 लोग, 500 का फिगर हटा दीजिए, तो 27,000 में 1,000 घटा के भी 26 होते। पर मैं ये मानता हूं अभी 24 से 25,000 के बीच में लोग मरे, मतलब मृत्यु दर एक्चुअली कम हुई है। मेरा इसमें पक्का विश्वास है, क्योंकि मैंने बनारस में एक दो लोगों से बात की, मित्रों से, मणिकर्णिका घाट पे कितनी लाशें आ रही हैं, दशमेघ घाट पे कितनी लाशें आ रही हैं, कलकत्ते के केवड़ा तल्ला पे कितनी लाशें आ रही हैं, दिल्ली के लोधी वाले क्रेमेटोरियम में कितनी लाशें आ रही हैं। हर जगह ये एक अंदाज मोटा मोटा कि 30-35% लाशें कम आ रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मृत्यु दर 30% घट गई है, क्योंकि और जगह लोग जला रहे होंगे, गाँव से लोग दशमेघ घाट पे नहीं आ रहे होंगे या मणिकर्णिका पे नहीं जा रहे होंगे, अपने गांव के आसपास कहीं दाह संस्कार कर रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मेरा मानना कम हुई है। और उसका एक कारण मुझे लगता है ये कि लोग डॉक्टरों के पास कम जा रहे हैं, अस्पतालों में कम जा रहे हैं, और दवाइयां कम खा रहे हैं, आधुनिक दवाइयां। और ये जो अधिक दवाई के सेवन से जो लोगों की मृत्यु होती है वो कहीं दर्ज नहीं होती है, वो खाली मृत्यु में दिख जाती है, लेकिन कारण उसका समझ में नहीं आता है। डॉक्टरों के गलत इलाज से, ओवर मेडिकेशन से ऑपरेशन भी गलत होते हैं। बिहार में तो मैं दावा करके कहता हूँ कई जगह डॉक्टर इसलिए ऑपरेशन करते हैं कि उनको पैसा चाहिए, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और ऑर्गन ट्रेड जो होता है अपने देश में वो भी इस समय कम हुआ होगा, या तो खत्म ही हो गया होगा या कम हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी मृत्यु होती है। ये बहुत ही जबरदस्त शोध होगी अगर हम 5-6 महीने के बाद जब आंकड़े आ जाएंगे, तो हमको करनी चाहिए और इस पर खूब चर्चा, अगर ये बात मेरी बात मेरा इंट्यूशन सही है तो इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए, और आधुनिक मेडिसिन पे, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पे हमको प्रश्न उठाने चाहिए।
हम पूरी तरह से दावा नहीं कर पाएंगे कि इनकी वजह से कम हुआ है, लेकिन एक एक उंगली तो उठा ही सकते हैं। तो ये मीडिया, मैं फिर से उस पर आता हूं कि ये जो भय का वातावरण है ये तो मीडिया क्रिएटेड है। कोरोना से मृत्यु हो रही है ये बात गलत है, मृत्यु हो रही है लेकिन कोई बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है ये बात गलत है, और ये फैलेगा भी जैसा लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा फैलेगा, और फैल भी रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रही है, उसके बावजूद मृत्यु बहुत नहीं होगी। सो एक चीज का फैलना, सर्दी जुकाम भी फैलता है, उसके कोई आंकड़े ही नहीं होते, और चीजें भी फैलती हैं उसके कोई आंकड़े नहीं, इसके आंकड़े, इसकी चर्चा, ये जैसे हमारे दिमाग को इसने जकड़ दिया हो, ये क्रिएशन किसका है? ये क्रिएशन मीडिया का है, इंटरनेशनल मीडिया का है। तो ये मुझे लगता है एक तरह से अगर कोई कहे कि एक प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग ये है कि क्या मीडिया पूरे विश्व के सरकारों समेत लोगों के दिमाग को एक तरह से संचालित कर सकती है क्या, तो ये प्रयोग उस हिसाब से सफल हुआ है कि सबको मीडिया भय से ग्रसित कर दे। इसी तरह से मीडिया क्या सबको क्रोध से ग्रसित कर सकती है, क्या मीडिया सबको घृणा से ग्रसित कर सकती है, क्या मीडिया सबको लालच से ग्रसित कर सकती है, लोभ से ग्रसित कर सकती है? ये अगर एक चीज में संभव है तो दूसरे इमोशंस में भी संभव है। और जब आप किसी के इमोशंस पे आप काबू पा लेते हैं या आप उसको संचालित करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं, तो फिर आदमी को भी प्रभावित और संचालित करना उतना ही आसान हो जाता है। ये प्रयोग हुआ है मेरे हिसाब से, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ शक्तियों ने किया होगा, वो अदृश्य है, कुछ कुछ हम लोगों को अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो हमको अंदाजा लग सकता है ये शक्तियां कौन है। लेकिन आप इसको कोर्ट के न्यायालय में प्रूफ करने ऐसी बात नहीं, ये तो अपने को ही अंदाजा लगाना। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर है उस मामले में, मुझे नहीं लगता कोरोना इतना भयावह। ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं, ऐसी होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशन मत लीजिए, आप सावधान सतर्क मत होइए, आप सावधानी मत बरतिए, लेकिन इस तरह का भय का वातावरण, ये तो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है।